हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बैंक निफ्टी निफ्टी प्रेडिक्शंस में। कल फ्राइडे के दिन क्या लेवल रहेगा, कहां से हमें बाय का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कहां से हमें सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहले निफ्टी का और फिर बैंक निफ्टी का, तो क्रिस्टल क्लियर प्रोवाइड करूँगा और इसको आप अच्छे से नोट करिएगा और फिर लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, ताकि रोज़ निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस एंड ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले निफ्टी का वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग ओपन किए हैं। कल हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम एज ए ट्रेडर कल बायर्स हैं, बायर के हिसाब से क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम अगर देखते हैं तो ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट काफ़ी कंसोलिडेटेड रहती है। तो इस रेंज से अब जब नीचे की ओर अब निकलने की तैयारी कर रही है या फिर ऊपर जाएगी, ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और सिंपल मेरा जो लेवल रहेगा उसे आप भी नोट करिएगा। तो 15 मिनट पर चलते हैं। वन डे पे हम लोग देख चुके हैं कि ये भी मार्केट अपने रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अभी बुलिश, उतना भी बुलिश मूवमेंट नहीं आया है और ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है। देखो, 15 मिनट पे देखोगे तो हाई 17,775 का लगाया और लो 17,575, यानी कि 200 पॉइंट का मार्केट जो है ट्रैवल दिखाया है आज एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी था, शॉर्ट कवरिंग भी आई और यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, और मार्केट ऑल टाइम क्या था, आज दिन भर सेलिंग प्रेशर में और मुनाफा वसूली में था, तो मार्केट सीधा नीचे आया है। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि कल का क्या लेवल्स रहेगा। देखिए, मार्केट कल गैप अप गैप डाउन कुछ भी होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारा लेवल्स पे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे गैप अप गैप डाउन रेंज बाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा। तो हमारा जो लेवल्स रहेगा उस लेवल पे आएगा, हम बाय करेंगे। तो अभी देखो, 17,579 के बीच में क्लोज दिया है मार्केट। तो तुरंत का जो सपोर्ट है, ध्यान से नोट करिएगा, निफ्टी में तुरंत का जो सपोर्ट है वो 17,550 है, 17,525। ये तुरंत का सपोर्ट जो निफ्टी में कल के दिन देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे आती है तो। और हमारा जो नीचे के साइड अगर हम बाइंग जोन देखें तो मेरा फर्स्ट बाइंग जोन है 17,450। ये 50 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट आती है तब हम लोग कल बाय करेंगे। इस लेवल में हमें ब्लाइंडली बाय जोन है और इस लेवल से हम कॉल में बाय कर सकते हैं। हमारा बिल्कुल आसान स्ट्रेटजी है। मार्केट में इस अगर इसी लेवल में खुल के इस नीचे आती है और 17,450 इस लेवल में रहती है तब हम यहां से कॉल में बाय करेंगे, अन्यथा हम वेट करेंगे। अगर यहां पर मार्केट खुलती है, अगर इसको नीचे ब्रेक नहीं देती है, 17,525 का सपोर्ट नहीं लेती है और मार्केट वहीं से ऊपर चली जाती है जहां से खुलती है, तब हम जो है पहला बाय कहां पे मिलेगा, 17,625 के ऊपर मार्केट रुकेगी तब जाके मेरा पहला बाय बनेगा। और 17,625 पर जब हम बाय करेंगे तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,675 एंड 17,725 का। 17,725 ये दो टारगेट के लिए हम उस लेवल पे बाय करेंगे। हालांकि 17,775 आज का जो हाई है, यहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उतना बड़ा टारगेट हमें लेना नहीं है, हमें पहले अपना टारगेट को बुक कर लेना है। लंबा टारगेट बनाएंगे, रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो हमारी सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। तो हमारे साथ आप रहोगे तो मैं आपको भी सेफली ट्रेडिंग का ही सजेस्ट करूँगा। तो मेरा सिंपल लेवल है कि अगर मार्केट नीचे की साइड जाती है 17,450 यही आप लेवल रख लो, इस 50 पॉइंट में हम खरीदेंगे कॉल में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मार्केट ऊपर जाए और 17,775 इस रेंज में जाए, 17,825 इस रेंज में जब मार्केट जाएगा कल के दिन, तो हम यहां से सेल करेंगे। सेलर हैं तो हम इस लेवल में सेल करेंगे, और अगर बायर हैं तो 17,450 17,500 इस लेवल में हम बाय करेंगे। तो ये दो लेवल को आप आराम से रखिएगा, बीच में कहीं भी बाय नहीं करना है। 17,625 के ऊपर टिकता है तब बाय करना है, या फिर 17,450-500 के बीच में आता है तब बाय करना है। यही दो लेवल है बाय करने का, इस दो लेवल के अलावा कहीं बाय नहीं करेंगे और ना ही आप करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आ रहा है बाय करने का और सेल करने का। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों, अब हम लोग बैंक निफ्टी पर आ गए हैं। तो बैंक निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी देखोगे तो चार्ट पर क्या सिनेरियो, क्या कैंडल बना रखा है। तो अभी गौर करोगे तो आज का जो वन डे का कैंडल है, हाई कहाँ लगाया था, परसों वाला कैंडल पे, अपने प्रीवियस डे का कैंडल, और जब जो लो लगाया है आज के दिन, जो क्लोजिंग दिया है, तो कल वाले जो कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दिया है। तो यानी कि हाई कहाँ था, 41,650, यानी कि 41,650 कह लो या 41,660 कह लो, ये राउंड फिगर में बता रहा था। और जो लो लगाया है वो है 41,200 का, ठीक है। तो 41,200 41,650, यानी कि लगभग 450 पॉइंट का ट्रैवल निफ्टी में आज किया है आज के दिन।
आज एक्सपायरी था तो कल फ्राइडे के दिन निफ्टी में क्या लेवल्स रहेगा अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर इस लेवल को आप देखोगे तो इस लेवल में काफ़ी मार्केट जो है कंसोलिडेट रहा था पिछले काफ़ी दिनों से। इस लेवल में देखोगे तो एकदम एग्जैक्ट उसी लोकेशन उसी लेवल्स में अभी बंद हुई है वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला माहौल है कि हमें क्या करना है। कल के दिन इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चल के थोड़ा सा चेक करते हैं कि कहाँ से हमारी बाई जो है पोजीशंस बनने वाली है। तो अभी देखोगे हाई जो है 41,650 और लो 41,200 का हमने मार्क कर लिया। अभी देखोगे मार्केट इस रेंज में ओपन है क्लोज हुई है। अब देखो अगर तुरंत का सपोर्ट 41,200 है तो तुरंत का जो सपोर्ट मेरा रहेगा वो पिछला 41,150 का जो सपोर्ट है वही रहेगा 41,100। ये दो जो है आप देखोगे ये दो आपका सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये वाला लेवल्स जो 41,100 का है तो ये भी तुरंत का सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा लेवल्स को। लेकिन अगर इसको यहाँ पे आता है और इसको नीचे के साइड ब्रेक दे देता है मतलब या शार्प दे दे या तुरंत दे दे पहले 15-20 मिनट में आप चेक कर लेना। अगर मूड माहौल अगर नेगेटिव है वर्ल्ड लेवल का ग्लोबली लेवल में और अगर आपका भी यहाँ पे माइनस दिखा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है तब हमें यहाँ से पीई ले लेंगे। 41,100 को ब्रेक कर दिया तो और जब 41,100 को ब्रेक कर देगा और हमें पीई लेंगे तब हमारा टारगेट रहेगा 40,925 और 40,875। बस इतना ही टारगेट लेना है क्योंकि 40,825 40,775 वो रेंज में बाइंग जबरदस्त बाइंग आने वाला है कल के दिन अगर आता है उस लेवल में तब। तो ये आपका सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे आसपास में खुलती है और इसी रेंज को या फिर 41,100 को इस रेंज को अगर सपोर्ट के तौर पे कल वर्क करती है और मूड माहौल बढ़िया है तब यहाँ से कॉल ले सकते हैं हम। ठीक है, सिंपल मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे ये रहेगी। लेकिन अगर ऊपर के साइड में मार्केट आती है तो हमारा एक ही लेवल है 41,525 इस 100 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट आती है तो हमें वेट करना है जब तक कि 41,500 के ऊपर ब्रेक ना दे। 41,500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है तब जाके मेरा कॉल में जगह बनेगा, अन्यथा मेरा कंसोलिडेटेड मार्केट में जाने का चांसेस रहेगा जिससे हमें टाइम डिके का प्रॉब्लम होगा। तो हम रेंज बाउंड मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं, मेरा कोई भी मेरी टीम का कोई भी ट्रेड नहीं होगा। और अगर मार्केट में अगर मान लो कि 41,400 या 500 के आसपास खुलती है तब तो कोई ट्रेड नहीं। लेकिन अगर 41,325 के आसपास में खुलती है तब हम थोड़ा देर के लिए कॉल ले सकते हैं पहले शुरू को वॉलेटिलिटी को समझने के बाद। तो आप अगर वीडियो को समझते हैं लेवल्स को समझते हैं तब तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको वहाँ से अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में भी हम लोग बैंक निफ्टी का आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आज भी हमने कहा था कि आपको कि अगर आपको ट्रेडिंग लेनी है तो अब जिस समय इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था मैंने आपको कहा था कि आप जो है वेट करिए और अगर इस लेवल को तोड़ता है ये वाला लेवल को 41,475 का तो आप यहाँ से पीई में लेके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको काफ़ी अच्छा लेवल्स काम किया है। तो अब यहाँ से आप हमारे वीडियो को रोज़ देखा करिए, पसंद आए तो लाइक किया करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, ऑप्शन से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने की कोशिश करता हूँ, लेवल्स अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। लाइव मार्केट में भी मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सजेस्ट करता रहता हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है जो मेरा रिसर्च होता है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।